योगी जी, जो आप योग गुरु के नाम से चंदौली में जाने जाते हैं, यहाँ पे अभी मंचा सिंह अतिथियों में हमारे कैलाश आचार्य जी, माननीय विधायक सैयद राजा, जिसको हम बाबूजी के नाम से जानते हैं, और हम लोगों को प्रेरणा देने वाले अपने युवा दिलों की धड़कन ऐसे यशस्वी माननीय विधायक सैयद राजा श्री सुशील सिंह जी। संतोष जी, अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, किस उद्देश्य से इस अस्पताल को खोला गया है और क्या सुविधाएं रहेगी इस अस्पताल? देखिए, ये सिर्फ जन सेवा के लिए खोला गया है, और आपको बता दूं एक बार तरीके से, आपको इसमें आईसीयू, एनआईसीयू, गाइने, आपका उसके बाद जो ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, सारी ऑल फैसिलिटीज हैं, एक्सरे, पैथोलॉजी, ईसीजी, सारी फैसिलिटीज जो हमारा ग्रामीण जनमानस छुटा हुआ है उस सारे लोगों को कवर किया जा रहा है, ताकि कम से कम पैसे में अच्छी सेवा मिल सके, उसकी हमारी पूरी कोशिश है। और इसका उद्घाटन जो है आपके माननीय यशस्वी जो है सांसद महोदय प्रतापगढ़ आए हुए हैं, श्री संगमलाल गुप्ता जी के हाथों से हुआ है, और भी अतिथिगण हमारे सभी सम्मानित विधायकगण से उपस्थित है यहाँ पे, तो आप सभी के हाथों से सारा कार्यक्रम सफल हो रहा है, और अभी और भी कार्यक्रम अभी चलेगा अभी आगे तक। गरीब तबके के लोगों के लिए क्या सुविधा मुहैया होगी? देखिए, हम ये कोशिश करेंगे कि एम्बुलेंस हमारी फ्री हो, उनको हम इजी टू एक्सेस, आराम से उनको हॉस्पिटल लेके आ सकें, कम से कम पैसे में सिर्फ हॉस्पिटल चलाने की स्थिति जितनी बने उतना पैसा लेके उनका सेवा किया जा सके। उस जनमानस को जिसकी पैसे के भाव में जान चला जाता है, उसका जान न जाए, वो पूरी कोशिश हमारी रहेगी। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, ये अचानक अस्पताल खोलने का ख्याल कैसे आया? देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था विधानसभा मुगलसराय विधानसभा 380 से, तो खैर हमें टिकट तो नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता दूं, मन में एक जन सेवा की भावना जग गई, उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्य किया जा रहा है, और मुझे बहुत सुकून प्राप्त हो रहा है और हृदय से मैं खुश हूँ। आगे दूसरे जगह भी इसका ब्रांच खोलने का प्लान है? अभी देखिए, पैरा मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा प्लान है, इसको 100 बेड तक हम लोग लेके जाएंगे और पैरा मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, ताकि जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो सके।